हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे रासायनिक सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना, राइटिंग केमिकल फार्मूले, ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसी को इस वीडियो में अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखिए जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, आयनों की संयोजकताएं, ठीक है। देखिए मैं कुछ यहाँ पे आयनों की संयोजकताएं मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए ये दिया गया है आपको कुछ महत्वपूर्ण आयनों के प्रतीकवाद संयोजकताएं, जैसे देखिए धनायन या क्षारीय मूलक, ठीक है। इसके देखिए क्या है, एक संयोजी आयन में जिसकी संयोजकता एक रहती है, जैसे देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या होगी, एक होगी। लिथियम आयन की एक है, सोडियम आयन की क्या है एक है, पोटेशियम आयन की क्या है प्लस वन है, सिल्वर आयन Ag+1, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर आयन है। और देखिए ये क्यूप्रस आयन की भी Cu+ है, तो ये क्या कहेंगे, क्यूप्रस आयन कहेंगे। अगर देखिए क्या है Hg+ है, तो क्या करेंगे, मर्क्यूरस आयन कहेंगे, मर्क्यूरस आयन, यानी H4 पॉजिटिव है तो अमोनियम आयन कहेंगे, ठीक है। सभी की संयोजकता क्या है, प्लस वन है। अब देखते हैं दो संयोजी आयन, ठीक है, दो संयोजी आयन में क्या होता है, जिसकी संयोजकता क्या होती है, दो होती है, उसे क्या कहते हैं, दो संयोजी आयन। जैसे देखिए बेरिलियम आयन, ठीक है, बेरिलियम आयन की क्या है संयोजकता, यहाँ पे +2 है, Be डाई पॉजिटिव लिखेंगे। आगे देखिए मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, Mg डाई पॉजिटिव, मीन्स इसकी संयोजकता क्या है, ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, कैल्शियम आयन Ca डाई पॉजिटिव, इसकी संयोजकता +2 है। बेरियम आयन क्या है, ये Ba डाई पॉजिटिव, संयोजकता +2 है। फेरस आयन क्या है, Fe डाई पॉजिटिव, संयोजकता +2 है। स्टेनस आयन है, संयोजकता SN डाई पॉजिटिव, ये +2 है। जिंक आयन क्या है, ये Zn डाई पॉजिटिव है, संयोजकता देखिए +2 है। क्यूप्रिक आयन, देखिए क्यूप्रिक आयन का क्या हो जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव, अगर Cu डाई पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन हो जाए इसका नाम। देखिए मर्क्यूरिक आयन का क्या हो जाएगा, Hg डाई पॉजिटिव, Hg डाई पॉजिटिव है तो क्या है, मर्क्यूरिक आयन है, अगर क्या है Hg पॉजिटिव है तो मर्क्यूरस रहेगा, ठीक है। इसी में देखिए Cu पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, क्यूप्रस आयन रहेगा, अगर डाई पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं त्रिसंयोजी आयन, ठीक है, त्रिसंयोजी आयन, ट्राइवेलेंट आयन, जैसे क्या हो गया एल्युमिनियम आयन, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, Al ट्राई पॉजिटिव, संयोजकता +3। फेरिक आयन क्या हो जाएगा, Fe ट्राई पॉजिटिव, देखिए क्या हो जाएगा, संयोजकता +3 हो जाएगी। अब देखिए ये सब तो धनायन के थे, ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऋणायन की, ऋणायन की संयोजकता, देखिए ऋणायन या अम्लीय मूलक, ठीक है, एक संयोजी आयन, ठीक है, ऋणायन में देखेंगे एक संयोजी ऋणायन, जैसे देखिए क्लोराइड आयन, ठीक है, इसका प्रतीक Cl- है, संयोजकता क्या है, -1 है। ब्रोमाइड आयन देखिए -1 है, आयोडाइड के भी यहाँ पे क्या रहेगा, संयोजकता -1। नाइट्राइड, ये क्या है, नाइट्राइट आयन, NO2 डाई नेगेटिव, ये देखिए क्या है, NO2 डाई नेगेटिव, नाइट्राइट आयन है, ये -1 है। और देखिए नाइट्रेट आयन, ये क्या है, नाइट्रेट आयन की संयोजकता क्या है, ये भी क्या है, NO3, ये -1 है। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH-, इसकी संयोजकता क्या है, -1 है। कार्बोनेट आयन, ये अच्छे क्या, सॉरी, बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, तो HCO3- है, इसकी भी संयोजकता क्या है, -1 है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है, दो संयोजी आयन है, इस इन सबको क्या कर लेंगे आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दो संयोजी आयन में क्या है, ऑक्साइड आयन है, ठीक है, यहाँ पे प्रतीक दिया गया O डाई नेगेटिव, संयोजकता -2 की है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, परऑक्साइड आयन है, ठीक है, ये O2 डाई नेगेटिव, संयोजकता -2 है। सल्फाइड आयन है, Yes डाई नेगेटिव, -2, ये क्या, सल्फाइट आयन है। सल्फाइट आयन का क्या हो जाएगा, SO3 डाई नेगेटिव, संयोजकता -2। सल्फेट आयन का क्या हो जाएगा, SO4 डाई नेगेटिव, ये देख लेना सल्फेट की संयोजकता कितनी है, ये -2 है। कार्बोनेट आयन क्या, CO3, ये डाई नेगेटिव है, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या है, ये -2 है। अब देखते हैं त्रिसंयोजी आयन, त्रिसंयोजी आयन में देखिए क्या है, नाइट्राइड आयन है, ठीक है, मीन्स N3, ये N3 नेगेटिव, ठीक है, संयोजकता -3 है। ये फास्फाइड आयन है, क्या है, P3 नेगेटिव, क्या है, संयोजकता -3 है। फास्फेट आयन है, क्या है, PO4, ये 3 नेगेटिव, ठीक है, संयोजकता क्या है, -3 है।
बोरेट आयन है, BO3, ये ट्राई नेगेटिव है, ठीक है। संयोजकता क्या है, ये 3 नेगेटिव है। तो इन सबको क्या कर लेंगे, ये जितना भी चीज बताए इन सबको क्या कर लेंगे, संयोजकता जितनी भी आयनों की है ये सब याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या रहेंगे, जो धनावेशित मूलक रहेंगे उसको करेंगे बाई साइड लिखेंगे, और जो ऋणावेशित मूलक रहेंगे उसको क्या करेंगे, दाई साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नियम है, उसी के नियम के अनुसार लिखते हैं। देखिए क्या करते हैं, संयोजकता मतलब कि अब संयोजकता अंकों की परस्पर के अदला बदली विनियम कर देते हैं, अर्थात धनात्मक मूल्य की संयोजकता या आवेश को ऋणात्मक मूल्य के नीचे, ऋणात्मक मूल्य की संयोजकता को धनात्मक मूल्य के नीचे लिख देते हैं। यही देखिए क्या होता है, विकर्ण नियम कहलाता है। तो विकर्ण नियम के अनुसार ही क्या करते हैं, यहाँ पे ये सूत्र लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे फार्मूला लिखने के लिए ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्या है, धनावेशित मूलक क्या है, ए है, और क्या है, ऋणावेशित मूलक बी है, ठीक है। धनावेशित ए है और ऋणावेशित क्या है, बी है। तो क्या करेंगे, डायगोनल क्या है, विकर्ण नियम के अनुसार अगर इसकी संयोजकता +2 है और इसकी क्या है, -3 है, तो क्या करेंगे, ये क्रिस क्रॉस उल्टा करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, A3 हो जाएगा और B2, ठीक है। जो यौगिक बनेगा क्या बनेगा, A3B2 बनेगा। अब चलिए देखिए वन बाई वन हम बता रहे हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, अगर देखिए कह दिया जाए फेरिक सल्फेट, देखिए अगर दे दिया जाए फेरिक सल्फेट का सूत्र लिखिए, किसका, फेरिक सल्फेट, सल्फेट। अब देखिए फेरिक लिखा है, ठीक है, फेरिक है, ठीक है। फेरिक में आपने देखिए देखा था, फेरिक में क्या होता था, जो एफ ई था इसकी संयोजकता कितनी थी, +3 थी। फेरिक में क्या हो जाएगा, +3 रहेगा, ठीक है, फेरिक। इसीलिए मैं कह रहा था ये जितने भी दिए गए आयन की संयोजकता उसको याद कर लीजिएगा। एफ ई की क्या हो जाएगी, +3। सल्फेट पे देखिए क्या होता है, SO4, ठीक है। इस आयन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, -2 होती है। अब विकर्ण नियम के अनुसार मीन्स ये क्या करेंगे, इसकी ये हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका बनेगा, आप बना दीजिए क्या बन जाएगा, Fe2, ये इसके साथ हो जाएगा Fe2, ये क्या हो जाएगा, SO4, Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बना ले जाएंगे ऐसे ही बनेगा। और सारे देखिए मैं एग्जांपल ये दे दे रहा हूँ, जैसे अमोनियम कार्बोनेट है, क्या दिया गया है, अमोनियम कार्बोनेट। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, संतुलित करने के लिए ऐसे लिखा रहेगा अमोनियम कार्बोनेट प्लस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा, क्या बना रहा, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा। अमोनियम का देखिए क्या होता, सूत्र लिखे अमोनियम का, जो अमोनियम आयन का होता है NH4, ये क्या होता है, NH4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स इसकी संयोजकता +1 होती है। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है, ठीक है, क्या होता है, CO3, इसकी संयोजकता क्या होती है, -2। अब देखिए इसको इस साइड इसकी संयोजकता के साथ करेंगे, इसको इसकी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH4 क्या बनेगा, NH4। अब ये देखिए ट्वाइस करेंगे NH4 ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, CO3, NH4 ट्वाइस, ये CO3, यही क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये समझ गया ना। अगला देखिए फेरिक ऑक्साइड, क्या देखिए, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। पहले देखिए फेरिक आयन क्या होता है, Fe होता, ठीक है, इसके ऊपर देखिए फेरिक कौन सा आवेश रहता है, ट्राइपॉजिटिव, मतलब कि फेरिक में जो आयरन की संयोजकता रहती है +3 रहती है। अब देखिए ऑक्साइड दिया गया है, ऑक्साइड में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2 होती है। अब ऐसे क्रिस क्रॉस कराएंगे, ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, Fe2O क्या बनेगा, Fe, ये क्या हो जाएगा, 2O3, तो यही हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा,
ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब अगर देखिए दे दिया जाए सिल्वर क्लोराइड, देखिए क्या सूत्र बनाना है, सिल्वर क्लोराइड, क्या बनाना है, सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर है, ठीक है, एजी है, ठीक है, सिल्वर में एजी, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी, और क्लोराइड में जानते हैं ये संयोजकता माइनस वन, विकर नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, तो एजी सीएल, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का यही क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, ये सूत्र होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला मैं दे रहा हूं। ठीक है, अगर देखिए अगला दिया गया है, अगला दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम सही लिख लीजिए, मैग्नीशियम क्या दिया गया, क्लोराइड, क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम देखिए हिंदी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम देखिए है, तो क्या कह रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड है, इसका क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ऐसे कर लीजिए, मैग ना पे बड़ी मात्रा, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम लिखा, संयोजकता क्या होती है, प्लस टू, ठीक है, क्लोराइड पे क्या होती है, माइनस वन, ठीक है, तो क्रिस क्रॉस ये करेंगे विकर्ण नियम से, तो क्या हो जाएगा, Mg ये वन है, Cl क्या हो जाएगा, Cl टू, तो यही क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, यही सूत्र होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा, अगर देखिए कह दिया जाए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम क्लोराइड अगर दे दिया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की जो संयोजकता होती है Ca डाई पॉजिटिव मेंस, और क्लोराइड की क्या होती है, माइनस वन, विकर्ण नियम के अनुसार करेंगे, ये Ca क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, CaCl2 क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला देखते हैं बनाने के लिए, अगला देखिए दिया गया है कापर नाइट्रेट, कापर, कापर नाइट्रेट क्या है, कापर, देखिए कापर दिया गया है, कापर की जो संयोजकता होती है ये डाई पॉजिटिव की होती है, और नाइट्रेट, ये नाइट्रेट का NO3 होता है, ठीक है, NO3 पे माइनस वन होता है, तो इसकी संयोजकता माइनस वन हो जाएगी, विकर्ण नियम के अनुसार ये ऐसे करेंगे दोनों को, तो CO ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये NO3, NO3 ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, कापर नाइट्रेट का सूत्र होगा। ठीक है, अब लिख ले जाएंगे, चलिए ठीक है, अब एक और बता रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने से लिखेंगे, ठीक है, हम कुछ यहाँ पे दे देंगे होमवर्क। अगला देखिए लिखना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है, ये डाई पॉजिटिव की होती है, कार्बोनेट CO3, ये भी क्या होता है, डाई नेगेटिव। अब इसको काटेंगे, देखिए वन वन से कट जा रहा है, ठीक है, अगर कट रहा तो काट देंगे पहले, समझ लीजिए, अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो क्या सूत्र हो जाएगा, CaCO3, तो क्या सूत्र हो जाएगा, CaCO3, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, अब अगर देखिए कह दिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक ये आखिरी है, मैग्नीशियम, नीशियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्राक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्राक्साइड का अगर दे दिया जाता तो मैग्नीशियम की संयोजकता जानते हैं MZ क्या होती है, डाई पॉजिटिव। हाइड्राक्साइड मीन्स जानते हैं OH की संयोजकता क्या होती है, माइनस वन। इसको देखिए अभी बताए थे जो हाइड्राक्साइड आयन होता है क्या होता है, माइनस वन होती है संयोजकता। तो विकर्ण नियम के अनुसार इसकी इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ, तो MZ क्या हो जाएगा, वन ही रहेगा MZ, और OH क्या हो जाएगा का होल ट्वाइस। ठीक है, MZ OH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राक्साइड का क्या होगा, ये सूत्र होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला को। अगला देखिए, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अपने से ये ट्राई करिएगा। ठीक है, जैसे अगर दे दिया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ज्यादा नहीं देंगे, लिख लीजिए कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट ये पहला हो गया। दूसरा लिख लीजिए फेरिक क्लोराइड। दूसरा हो गया फेरिक क्लोराइड। तीसरा ये लिखिए, तीसरा लिखिए सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये देखिए तीन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए अगर देखिए नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में करिए, फिर से समझा देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।